सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक 2020। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम Realme 5i के कैमरे के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसका कैमरा टेस्ट करेंगे कि कैसा जो इसके चार कैमरे हैं वो वाकई रियली में बहुत ही अच्छे काम करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें आपको आईफोन की कॉपी देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके ज़्यादातर फंक्शन है वो आईफोन के जैसे हैं, तो इसका जो कैमरा फंक्शन है वो भी आईफोन की तरह ही है। तो दोस्तों, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल मोबाइल है आईफोन के वो बहुत ही महंगे आ रहे हैं, तो लोग इतना बजट नहीं कर पाते। तो ये अच्छी बात है कि इनने इस मोबाइल में दे दिया, तो लोग अच्छी बात है कि इसको यूज़ कर सकेंगे और आईफोन का लुक भी उठा सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कैमरे टेस्ट के बारे में, क्योंकि हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो हम कैमरा लगाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका कैमरा टेस्ट। तो दोस्तों, अब अभी जो आपको ये दिख रहा है, तो दोस्तों इसका जो कैमरा, जो मैंने खुद अपना पर्सनल यूज़ की बात बताऊं, तो दोस्तों इसका जो कैमरा है बहुत ही अच्छा कैमरा है, यानी आपको DSLR से कम देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो कैमरा है बहुत ही अच्छा लुक देता है। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करके बता रहा हूं, तो इसलिए आपको मेरे ख्याल से सही नहीं आ रहा हो, सही नहीं लग रहा हो, मगर दोस्तों इसको मैंने फुल पर्सनल यूज़ करा है, तो आपकी कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें देखें, मैंने आपको कहा था कि आईफोन की तरह है, देखें यहाँ पर इसमें इसके नीचे के फंक्शंस, जब आप इसको वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब भी ये इस तरह होगा, देखें। तो दोस्तों, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि हमें भी आईफोन के फंक्शन इस मोबाइल में देखने को मिले। तो दोस्तों, इसका जो कैमरा है, अगर हम बात करें पर्सनल यूज़ की, जो मैंने इसको पर्सनल यूज़ कराया, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है इसने, और इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बैटरी टाइमिंग देता है आपको। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर ये लेग होता है यानी, तो दोस्तों इसमें एक नंबर भी लेग होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी लेग नहीं होता है। इसमें हमें ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि भाई ये लेग होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कैमरे रिज़ल्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमने कुछ पिक्स ली हुई है, आप देख सकते हैं इसका जो पिक्सल्स है वो बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं, आप इसको जितना भी जूम कर लें। और इसका बहुत ही एक, जो अगर हम बात करें इस मोबाइल के कैमरे के बारे में, तो बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है। सो पर्सनल यूज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका जो कैमरा है बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और इसमें बैकग्राउंड देख सकते हैं आप। सो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट के बारे में। तो आपको यहाँ पर इसको पीछे देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट जो है, एंड दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है बहुत ही तेज़ है और बहुत ही अच्छा है, यानी बहुत ही अच्छा काम करता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है। तो आप एक सेकेंड में जैसे आप दबाएंगे, देखिए डायरेक्ट से आपको रिस्पॉन्स दे देगा। और दूसरी बात कर लेते हैं हम इसके PTA की, तो ये PTA प्रूफ आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों, आज के हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।